नमस्कार, आपका स्वागत है स्टेट न्यूज़ हरियाणा में। मैं हूं अमित अमन और आज हम आपको एक डिजिटल दुनिया में लेकर के आए हैं। डिजिटल शॉप यहां पे है, आप देख सकते हैं माँ गायत्री कंप्यूटर्स के नाम से। तो यहां आज हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से डिजिटल जो कार्य हैं वो यहां पे होते हैं। आइए आपको एक बार अंदर लेके चलते हैं हम। आप देख सकते हैं कि जो यहां की डिजिटल दुनिया है उसको आप देखें एक बार। रंग बिरंगी जो दुनिया है, रंग बिखेरती हुई जो दुनिया है वो आपको दिखाई देगी। आगे से पीछे जो इस डिजिटल शॉप के जो मालिक हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और अभी उनसे मैं आपके लिए पूछूंगा कि क्या क्या कार्य वो लोग यहाँ पे करते हैं, ताकि वो सभी चीज़ें जो आपके काम आ सकें वो यहाँ पे क्या क्या है। सर, सबसे पहले तो आपका स्टेट न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। आप अपना नाम बताएं और यहाँ पे क्या क्या कार्य होता है। सर, मेरा नाम रामचंद्र है जी, और हम यहाँ पे डिजिटल जो सेवा है उसको आगे लाए हैं। इसके लिए हमें डोमोसाइल तहसील में जो कार्य होते हैं, डोमोसाइल, बुढ़ापा पेंशन, इनकम सर्टिफिकेट और जाति प्रमाण पत्र सारे हमारी शॉप पे होते हैं जी। उसके अलावा यहाँ पे हम मग प्रिंटिंग, फ़ोटो फ्रेमिंग और मोमेंटो प्रिंटिंग भी करते हैं और बहुत सी सर्विस हैं जो हम यहाँ करते हैं जी। चलिए हम इनके साथ चलते हैं और बाकी की जितनी भी सर्विसेज हैं वो हम एक बार यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या कार्य यहाँ पे किए जाते हैं। आप देख सकते हैं बाकायदा यहाँ पे जी, बताइए। बुढ़ापा पेंशन, जो बुजुर्ग लोग हैं जो आने जाने में दिक्कत होती है, बैंक में पेंशन लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, उनको हम यहाँ बुढ़ापा पेंशन देते हैं। ग्रामीण बैंक के बीसी हैं, उसके जरिए हम यहाँ पे बुढ़ापा पेंशन देते हैं। अगले काउंटर पे क्या होता है सर यहाँ पे? इसमें सर सीएससी का जितना भी वर्क होता है, जो पहले बता चुका हूँ मैं, डोमोसाइल बनाना जी, इनकम सर्टिफिकेट बनाना और बुढ़ापा पेंशन के लिए फाइल अप्लाई करना, सारा जितना भी तहसील का कार्य होता है वो सारा इसी काउंटर पे हम करते हैं। पीछे के काउंटर पे? इस काउंटर पे सर हम जी HDFC के अकाउंट ओपन करते हैं, HDFC से लोन प्रोवाइड कराते हैं। HDFC के जितने भी CSC के थ्रू कार्य होते हैं सारे इस काउंटर पे हम करते हैं जी। और बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी आप देख पाए होंगे यहाँ पे। आप पीछे देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो फ्रेमिंग है, प्रिंटिंग है, वो भी है यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पीछे की तरफ, मैं आपको एक बार फिर से ले जाना चाहूँगा और वहाँ आपको मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ आप देख सकते हैं जो मग प्रिंटिंग की बात हुई थी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से इन्होंने जो मग प्रिंटिंग की हुई है वो आपके सामने है। ये जो मग प्रिंटिंग है ये मार्केट में 300 रुपये में अवेलेबल होता है, हम अपनी दुकान पे 150 रुपये में अवेलेबल कराते हैं, अच्छी क्वालिटी और अच्छी वैरायटी में, पूरा डिजिटल तरह से प्रिंट होता है किनारी टू किनारी। इसके अलावा मोबाइल कवर प्रिंटिंग करते हैं, 10 मिनट में हम मोबाइल कवर प्रिंट करके दे देते हैं यहाँ पे। हमारी अपनी ऊपर मशीन है जिससे हम 10 मिनट में मोबाइल कवर प्रिंट करके देते हैं। मार्केट में 499 रुपये के प्राइस होते हैं, हम 250 रुपये में प्रिंट करके देते हैं। तो आप बाकायदा इनसे देख भी सकते हैं। अब हम ऊपर भी चलेंगे और आपको वो जगह भी दिखाएंगे, इनकी जो मशीन है वो भी हम दिखाएंगे जहाँ पे ये प्रिंट इन चीज़ों को करते हैं, वहाँ हम चलने की कोशिश करेंगे इन्हीं के साथ और वहाँ पे चलते हुए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कहाँ पे ये इन चीज़ों को प्रिंट करते हैं। तो चलिए आपको वहाँ की जो हालत है वो दिखाते हैं, किस तरीके से ये प्रिंट वहाँ पे चीज़ों को करते हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे। और आपको अब ऊपर लेके हम चलते हैं, यहाँ पे हम देख पाएंगे कि जो प्रिंटिंग है वो किस प्रकार से होती है। अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो टी शर्ट प्रिंटिंग करने की जगह है, जो मशीन है वो आपके सामने है और ये जो प्रिंटिंग है वो बाकायदा आप देख पाएंगे। सर, कैसे क्या करते हैं और जो आपकी टी शर्ट होती हैं उनके रेट क्या होते हैं? सर, टी शर्ट हमारे पास 75 रुपीज़ से लेके 350 रुपये तक होती है जी। और विद प्रिंटिंग और टी शर्ट के प्राइस बताएं, केवल प्रिंटिंग करना होता है तो 50 रुपये में सिंगल साइड प्रिंट करते हैं हम लोग। अब जैसे ये टी शर्ट है, इस टी शर्ट पे हमने ये प्रिंटिंग किया है जी। ये हमारी टी शर्ट प्रिंटिंग मशीन है, आप बाकायदा देख सकते हैं कि जो टी शर्ट प्रिंट हुआ है उसको आप देखें यहाँ पे। ये देखिए, ऐसे टी शर्ट को प्रिंट करते हैं। आप चाहे किसी भी टाइप की टी शर्ट प्रिंट करवा सकते हैं, आप अपना खुद का लोगो भी प्रिंट करवा सकते हैं या जो भी आप उसके ऊपर प्रिंट करवाना चाहें वो प्रिंट हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगली मशीन की ओर। सर, इस मशीन से क्या करते हैं? ये मग प्रिंटिंग की मशीन है, इसमें हम मग, कॉफ़ी मग प्रिंट करते हैं जी।
इसमें तो दो तीन तरह के मग होते हैं हमारे पास। एक मग होता है जिसको मैजिक मग बोलते हैं, उसमें प्रिंट हो जाएगा लेकिन उसमें कोई गर्म चीज़ डालेंगे ना, उसके बाद ही उसमें फ़ोटो उभर के आएगा। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं ये मग प्रिंटिंग की जो मशीन थी वो ये है, और बाकायदा इन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार से मग का जो प्रिंट है वो होता है। आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि इस पर अलग अलग तरीके से, चाहे तो यहाँ पे जहाँ पे आपको बच्ची का फ़ोटो नज़र आ रहा है यहाँ पे आपका फ़ोटो भी हो सकता है, इसी तरीके से प्रिंट होता है। आप जैसा चाहें जो चाहे वो इसके ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं, और मग प्रिंटिंग का जो बेनिफिट है वो आपके लिए यही रहेगा कि आप अपनी मनपसंद फ़ोटो इसके ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं। दूसरी एक और मशीन यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, उनको भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और जानने की इनसे कोशिश करेंगे यहाँ पे क्या होता है। सर यहाँ पे क्या होता है? सर ये मोबाइल प्रिंटिंग मशीन है, मोबाइल कवर के ऊपर फ़ोटो प्रिंट होती है इससे। जी ये देखो, ये हार्ड कवर होता है और इसी पे फ़ोटो प्रिंट होती है। तो आप देख सकते हैं, बाकायदा मैं आपको एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है उसी तरीके से अपने मोबाइल कवर के ऊपर भी आप इसी तरीके से अपनी मनचाही फ़ोटो को प्रिंट करवा सकते हैं, चाहे खुद की फ़ोटो हो, चाहे आपके बच्चों की फ़ोटो हो, या किसी की भी फ़ोटो, जिसकी फ़ोटो आप प्रिंट करवाना चाहते हैं वो फ़ोटो इसके ऊपर आप प्रिंट करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी फ़ोटो जो है वो प्रिंट हुआ हुआ है। अब इनके अलावा सर आप हमें बताएं और क्या क्या कार्य आप लोग करते हैं? इनके अलावा सर हम पिल्लो कवर पे भी फ़ोटो प्रिंट करते हैं, डबल बेड की बेड शीट पे भी फ़ोटो प्रिंट करते हैं। तो इसी प्रकार से इन्होंने बताया कि जो पिल्लो के कवर हैं, जो आपके तकिए के कवर हैं, उनके ऊपर भी इसी प्रकार से, जो अगर ये आप देख रहे हैं पिल्लो आपके सामने है, इसके ऊपर यहाँ पर आपका जो फ़ोटो है वो प्रिंट हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो आपकी जो बेडशीट होती है उसके ऊपर भी इसी प्रकार की जो प्रिंटिंग है वो ये आपको करके दे सकते हैं, और वो भी आपकी जो मन चाही तस्वीर होगी वो इसके ऊपर वो आपके लिए लगा के देंगे, आपके लिए प्रिंट करके देंगे, तो वो भी आपके लिए बेटर होगा। आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो इन्होंने प्रिंट किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं बकायदा इन्होंने यहाँ पे दिखाया है कि किस प्रकार से ये जो बेडशीट को प्रिंट करते हैं वो आप देख सकते हैं। अब इस जोड़े का जो इस बेडशीट के ऊपर प्रिंट है ये आपका भी हो सकता है, अगर आप अपने बच्चों का प्रिंट करवाना चाहते हैं उनका भी हो सकता है, या जिसका भी आप अपना करवाना चाहते हैं या जो भी आपको पसंद है इसी तरीके से। तो पूरी की पूरी इस शॉप के अंदर, जो डिजिटल शॉप है, इसके अंदर आने के बाद आपने देखा अंदर से बाहर की तरफ पूरा का पूरा, हम जैसे ही अंदर आए तो वहाँ पे हमें देखने को मिला जिस प्रकार से सीएससी का वर्क भी करते हैं, साथ साथ उसके बाद में जो आपको एचडीएफसी बैंक से ये लोग लोन भी प्रोवाइड करते हैं, और भी काफ़ी प्रकार के जो सभी डिजिटल जो कार्य हैं वो यहाँ किए जाते हैं। लेकिन खास बात यही है, जो प्रिंटिंग का इनका काम है वो आप देख सकते हैं। और साथ साथ मैं आपको बता दूँ यहाँ पर ये आपके शादी के कार्ड वगैरह भी प्रिंट करते हैं, साथ साथ उसके आपके बैनर फ्लैग्स वगैरह जो भी आप विनाइल वगैरह प्रिंटिंग करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे होता है, आपकी कनोपी वगैरह भी सारी चीज़ें, सभी जो प्रिंटिंग का काम है वो भी यहाँ पे किया जाता है। और अब जो पिलो के कवर हैं उनको आप देख सकते हैं कि इसी प्रकार से आप एक बार देख पाएंगे इनको, इसी प्रकार से जो नाम भी लिखा हुआ है इन्होंने, और इसी तरीके से आप अपने भी जो पिलो के कवर हैं उनको भी प्रिंट करवा सकते हैं, बेड शीट है उसको भी प्रिंट करवा सकते हैं, कप मग जो भी आपका है उसको आप प्रिंट करवा सकते हैं, और साथ साथ टी शर्ट प्रिंटिंग और उसके साथ मोबाइल का जो कवर है उसको भी प्रिंट करवा सकते हैं। जी सर, और भी ऊपर हम चलेंगे और वहाँ भी देखने की कोशिश करेंगे वहाँ पर क्या क्या होता है, क्या और भी कार्य इनके हैं वो हम जानने की अब कोशिश करेंगे। आइए आपको लेकर के चलते हैं और भी ऊपर आपकी इसी डिजिटल शॉप के अंदर, आप देख पाएंगे कि यहाँ पे और क्या क्या कार्य किए जाते हैं, वहाँ भी हम आपको लेकर के चलते हैं। अब हम अगली जगह आए हैं, वहाँ आप देख सकते हैं आपके लिए इस तरीके के जो कार्ड हैं वो भी बनाए जाते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, सीसीटीवी कैमरा वगैरह के हैं। या अगर मैं दूसरा उठा के आपको दिखाना चाहूँ, हैंड वॉश का है, पुल एंड पुश का, ये इस टाइप के कार्ड भी यहाँ पर बनाए जाते हैं। और साथ साथ अगर आप देखेंगे अंदर की तरफ जो मशीन है आपके फ्लैक्स वगैरह, इसी मशीन से छपते हैं
और यहीं ये लोग यहाँ पे आपके लिए फ्लैक्स बैनर वगैरह छापते हैं। जी सर, आप बताएं। सर, इस मशीन से हम कैनोपी, विनाइल, वन वे विजन और फ्लैक्स प्रिंट करते हैं जी, और इसमें रेट्रो फ्लैक्स, चमकीले जो फ्लैक्स होते हैं वो भी इसी में प्रिंट करते हैं, और हम कस्टमर को तुरंत ही सेवा देते हैं, घंटे के अंदर उसको प्रिंट करके आइटम दे देते हैं, ज़्यादा दिन चक्कर कटवाने वाला चक्कर नहीं है। दूसरा, ये वेडिंग कार्ड है सर। जी सर, बताइए। वेडिंग कार्ड भी हम यहीं पे प्रिंट करते हैं। वेडिंग कार्ड के लिए भी हमें उधर स्क्रीन प्रिंटिंग लगाई हुई है गोदाम में, तो स्क्रीन प्रिंटिंग से हम वेडिंग कार्ड प्रिंट करते हैं। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं, इन्होंने बताया वेडिंग कार्ड भी यहाँ पे प्रिंट करते हैं, आपके जो विजिटिंग कार्ड है वो भी प्रिंट होते हैं, और बहुत सी चीज़ें, जितना भी आपका प्रिंटिंग का कार्य है वो यहाँ पे नीचे से लेकर ऊपर जहाँ भी हम पहुँचे हैं वहाँ आपको देखने को मिला होगा। तो मैंने आपको यहाँ भी बताया, सर ने भी आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पे आपके लिए बैनर, फ्लैक्स वगैरह और विनाइल वगैरह जो भी ये कर सकते हैं, शादी के आपके वेडिंग जो कार्ड होते हैं वो भी यहाँ पे छपते हैं, और उसके साथ साथ आपकी कनोपी भी तैयार की जाती है। तो पूरे के पूरे एक डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हम हैं, जहाँ पे कि आपके लिए प्रिंटिंग की जाती है, हर प्रकार की जो प्रिंटिंग है वो यहाँ पे की जाती है, और ये सभी चीज़ें हम देख चुके हैं। एक बार फिर इनसे जान लेते हैं। जी सर, बताएं। सर, हमारी दुकान का नाम माँ गायत्री कंप्यूटर है, और 2002 से हम यहाँ कोसली में सेवा दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, कोसली के अंदर एकमात्र ऐसी दुकान जो पूरे तरीके से डिजिटल है, और ऊपर से नीचे तक जो मग, प्रिंटिंग, सभी चीज़ें इन्होंने हमें दिखाई है। तो कोसली के अंदर जब भी आप आएँ, किसी भी काम के लिए आएँ, या फिर आपको कोई पर्सनल कार्य इस तरीके का हो, तो इस दुकान के ऊपर विजिट ज़रूर करें, और यहाँ आने के बाद आप देखें कितने आप खुद को सेटिस्फाई महसूस करते हैं। यहाँ से मुझे लगता है सेटिस्फाई होकर के आप ज़रूर जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।